हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं आकांक्षा, ये मनीष, क्योंकि अपना नाम भूल जाते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। हाँ, अंधेरा है यहाँ पे, अब अंधेरा ही रहेगा, 8 बजे सनराइज होता है। तो आपको पता ही चल गया होगा हम लोग कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं बेल्जियम, और बेल्जियम जो है वो कम प्राइस में, लोवेस्ट प्राइस में कैसे घूमें ये मनीष आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, बट वो प्लान हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने कैसे प्लान किया था। और दो दिन का ट्रिप है, और हमारी पूरी ट्रेन की जो जर्नी है, ब्रसल्स जा रहे हैं हम लोग और ब्रूज, तो पूरी ब्रसल्स, ब्रूज और वापस नीदरलैंड्स आने तक की हमने ओनली 45 यूरो में बुक किया है। और तो वो हम लोग शेयर करेंगे कैसे आपको प्लान करना है, कैसे होटल बुक करना है, अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं। वैसे आप एक दिन में भी लौट के आ सकते हैं, तो हमारी पूरी यात्रा से जुड़े रहिएगा। सुबह सुबह निकल गए हैं, 4 बजे से उठे हुए हैं, पूरी तैयारी चेक करना क्या है क्या नहीं है। तो ठंड भी बढ़ गई है अभी, 7-8 टेम्परेचर है, पीछे फॉग भी दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का। और स्टेशन तक जा रहे हैं पैदल, क्योंकि सुबह सुबह कोई बस नहीं थी। तो स्टेशन तक हम पैदल जा रहे हैं, और ये हमारी आज पूरी मैराथन होने वाली है। शाम तक हम आपको बताएंगे हमने कितना पैदल चला है। हाँ, कितना किलोमीटर हम जब भी घूमने जाते हैं कितना किलोमीटर हम चलते हैं, हम आपको आज ये भी बताएंगे। तो आज हमारी मैराथन है, देखते हैं, शाम को शेयर करते हैं आपसे। शाम को हम अपनी हालत दिखाएंगे। हमारी जो आज की यात्रा है वो है बेल्जियम की, और अभी सेंट माइकल कैथेड्रल है। अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल पैलेस ब्रसल्स का, इसको कहते हैं रॉयल पैलेस दी ब्रसल्स। नोत्रे डैम पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो है पैलेस द जस्टिस, जहाँ का रॉयल कोर्ट है। लुका रसिया, मेरा नाम लुका, बंदा न बंदे की जात, ये किस तरह आगे न पीछे, बोलो ऐसे कि कोई देख नहीं रहा। गर्व, प्राइड एंड ऑनर। और ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, मोस्टली लोग यही ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ। और हम लोग ये नीदरलैंड के स्टेशन में पहुँच गए हैं रूजनडैल, और यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेन पकड़ेंगे ब्रसल्स सेंट्रल के लिए। यहाँ से तकरीबन 14 यूरो लगता है। तो अगर आप सिंगल डे का ट्रिप बनाते हैं तो आपका 28 यूरो में आना जाना हो जाएगा। अगर आप ब्रसल्स के अगर घूमना चाहते हैं तो एक दिन बहुत है उसके लिए, तो इसके लिए 28 यूरो में आपका हो जाएगा आना जाना। और आई थिंक यही ट्रेन है शायद हमारी। तो अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के अंदर। और हमारी जो आज की यात्रा है वो है बेल्जियम की, और अभी हम बेल्जियम के कहाँ पे हैं, हम लोग पहुँच गए ब्रसल्स कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी।
और हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए यहाँ पे, और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने होटल पे। और हमारा पूरा वीडियो देखिए, हमसे जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी और भी यात्राएं आप देख सकें। तो अब हम सीधे जा रहे हैं होटल। और होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकल लिए अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलिए लेके चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। और हम लोग पहुंच गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कैथेड्रल, सेंट माइकल कैथेड्रल है ये। बहुत हद तक ये जो नोत्र डैम था पेरिस वाला, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे एक और नोत्र डैम कैथेड्रल भी है, वहाँ जाके देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज़ है, बट देखने में बहुत हद तक सिमिलर ही लग रहा है। देखते हैं इसके अंदर जा पाते हैं कि नहीं, अगर ओपन होगा तो फिर अंदर से दिखाते हैं। कैथेड्रल के अंदर हमें जाने की परमिशन मिल गई, आई मीन वो खुला हुआ था, बस कोविड-19 के जो रूल्स हैं, जैसे कि अंदर आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, ये सारे रूल्स थे। यहाँ पे कैंडल्स भी हैं, और आप यहाँ पे करके 2 यूरो शायद है इसका प्राइस, तो आप यहाँ पे करके कैंडल्स भी जला सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। काफी बड़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल पैलेस ब्रसेल्स का, इसको कहते हैं रॉयल पैलेस द ब्रसेल्स, और इसके जस्ट सामने ही पार्क है रॉयल पार्क। तो हम लोग पार्क होते हुए पैलेस जा रहे हैं। और ये ओपन जिम छोटा सा। और ये पार्क में फाउंटेन है। पार्क है। हाँ, बहुत बड़ा पार्क है, तो हम बस रास्ता ढूंढेंगे कि हम पैलेस तक पहुंच जाएं। और ये रास्ता सीधे पैलेस की तरफ जा रहा है।
देखिए रेनबो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रॉयल पैलेस, इसके सामने जस्ट बैठे हुए हैं, आप पूरा देख सकते हैं पीछे से। और इसकी एंट्री अलाउड है कि नहीं है हमें नहीं पता है, तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां से एंट्री है कहां से नहीं। अगर टिकट हुई तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर से ही वापस चले जाएंगे। हमें टिकट्स का कोई पता नहीं चला तो इसीलिए हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और एक्चुअली हमें एटोमियम भी जाना है जिसकी एंट्री शायद शाम के 5 बजे बंद हो जाती है, तो काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो इसीलिए हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक म्यूजियम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है ये देखने में। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं नॉर्थ डैम, फेमस चर्च है कैथेड्रल, और इसके अंदर जाएंगे अभी हम लोग और फिर अंदर से देखते हैं कि कैसा है ये। ये बाहर से तो खूबसूरत था ही, अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शांति है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है प्रेयर की जगह है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं, बस शांति बनाए रखें। जो आप लोग देख रहे हैं वो है पैलेस द जस्टिस, यहाँ का रॉयल कोर्ट है और काफ़ी बड़ा है। और रॉयल कोर्ट के जस्ट सामने है ये, इससे आप पूरी ब्रसल्स का स्काई व्यू ले सकते हैं कि ऊपर से ये ब्रसल्स कैसा लग रहा है। और यहाँ भी लोग खड़े हैं, वैसे भी पूरा बना हुआ है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके पास।
देखते हैं हम लोग भी। यहाँ का व्यू देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं एटोमियम, और एटोमियम का वीडियो हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरी और भी यात्राएं देख सकें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।